हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे VMI के बारे में, यानी कि विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन क्या होता है और इसका क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। विजुअल इंटीग्रेशन स्किल्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम यह जानेंगे, विजुअल इंटीग्रेशन मीन्स विजुअल स्किल्स प्लस मोटर स्किल्स, क्योंकि ये दोनों स्किल्स जो हैं ये हमारे हर काम में हमारी हेल्प करते हैं। जब तक दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। अगर बच्चों को खाली विजुअल स्किल्स में डिफ़िकल्टी है, तब भी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है विजुअल इंटीग्रेशन में, और अगर मोटर स्किल्स में कोई डिफ़िकल्टी है तब भी। कई बार ऐसा होता है कि दोनों स्किल्स हमारे सही वर्क करती हैं, लेकिन स्टिल बच्चों को कोऑर्डिनेशन में सेंस इश्यूज़ के चलते डिफ़िकल्टीज रहती हैं। तो विजुअल इंटीग्रेशन मीन्स विजुअल प्लस मोटर स्किल्स। तो ये जो चीज़ है, इसको ध्यान देने वाली बात है कि ये मोर देन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन में सिर्फ हाथों और आँखों का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, लेकिन विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में हमें अपने फीट, अपनी मूवमेंट्स, अपनी आँखें, सभी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इफेक्ट कब करते हैं हमारे कई स्किल्स को, जैसे कि डेली लिविंग स्किल्स हैं। डेली लिविंग स्किल्स में हमारे वो सभी काम आते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे कि नहाना धोना, कपड़े पहनना, इसके अलावा चीज़ों को ढूंढना, कमांड को फॉलो करना, या कोई भी काम करना। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज रहती हैं बच्चों को बटनिंग, जिपिंग, ये सभी काम करने में, जिन बच्चों को विजुअल इंटीग्रेशन में डिफ़िकल्टी रहती है। इसके अलावा हैंड राइटिंग स्किल्स में कॉपी करना, किसी चीज़ को, शेप हो, नंबर्स हो, या फिर अल्फ़ाबेट्स, उनमें डिफ़िकल्टी रहती है, लेटर्स स्लॉपी रहते हैं और हैंड राइटिंग पुअर रहती है। इसके अलावा ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि मूवमेंट्स हमारी, वो भी इफेक्ट होती हैं, कैश थ्रो में डिफ़िकल्टी होना, बॉल को हिट करना, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कलरिंग में भी डिफ़िकल्टी रहती है बच्चों को। जिन बच्चों को विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में डिफ़िकल्टी रहती है, उन्हें कलरिंग जैसे काम में भी, क्योंकि उनका कलर लाइन का अवेयरनेस नहीं रहता, कलर उनका बाहर रहता है लाइन से। तो आज मैं कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जो बच्चों के विजुअल मोटर इंटीग्रेशन पर काम करेंगी। इसमें मैंने लेफ्ट एंड राइट, कुछ लेफ्ट से मैंने हाफ पजल पीस है, और इसमें सिर्फ मैंने लॉन्ग ड्राइंग को यूज़ किया है, मैंने सिंपल पजल को यूज़ नहीं किया है, ताकि बच्चों को ईजी रहे कि किस तरह से उसको, किस चीज़ को आखिर उसको मिलाना किस चीज़ को है। कई बार बच्चे इस तरह से रखते हैं सर्कल, क्योंकि उन्हें डायरेक्शन लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता। तो आप, मैंने कुछ पीसेस राइट से लिए हैं, कुछ लेफ्ट से लिए हैं। इन पजल्स को जोड़ना, इन पजल्स को सही तरह से लगाना, जैसे कि फ्लावर, कुछ बच्चे ऐसे लगाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं रहता लेफ्ट एंड राइट का, तो इससे बच्चे लेफ्ट एंड राइट, उनके जो ये स्किल्स हैं ये स्ट्रांग होते हैं बच्चों के, कि किस तरह से उन्हें कॉर्नर के साथ कॉर्नर को जोड़ना है, किस तरह से उन्हें पिक्चर को कंप्लीट करना है, ये एक चीज़, लाइन के साथ लाइन को किस तरह से मिलाना है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं आप बच्चों को दें तो बच्चों को विजुअल इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा मैंने लाइन ड्राइंग की ही पज़ल ली है, मैंने सिंपल पज़ल नहीं लिया, क्योंकि इसमें बच्चे को क्लियर रहती है कि लाइन कहाँ पर, उसको कहाँ जोड़नी है। पिक्चर में कई बार बच्चों को, जिनको विजुअल इश्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लाइन को लाइन के साथ जोड़ना मेन टारगेट हमारा है इन एक्टिविटीज़ में। तो मैंने ये एलिफेंट की 4 पीस पज़ल ली है, जिसमें कुछ बच्चे इस तरह से गड़बड़ करते हैं, आपको ये बताना है कि उसको किस तरह से कौन सा पार्ट कहाँ पर जाना है। इसके अलावा मैंने लिया है, ये मोटर एक्टिविटी है, ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन से बढ़कर होते हैं विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हमारी आँखों का इस्तेमाल होता है, बल्कि साथ में हमारी बॉडी भी, बॉडी का भी हम मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी जिस तरह से हम विजन को विजुअल देखते हैं और उसे उसी हिसाब से चलना। इसमें मैंने सिंपली लाइन लगाई है, लाइन के ऊपर कुछ डॉट्स लगाए हैं, और बच्चे को हाथ में मैंने कुछ ब्लॉक्स दिए हैं और बोला है कि हर एक डॉट के ऊपर उसे चलकर उस लाइन के ऊपर चलना है, जिगजैग लाइन है, और उसे उस एक एक ब्लॉक को उस डॉट के ऊपर रखना है। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, जिन बच्चों को विजुअल मोटर इंटीग्रेशन के इश्यूज़ रहते हैं। इसके अलावा सिंपली ये जो सिंपल ब्लॉक्स आते हैं, इनको आपस में जोड़ना, इंटरलॉक करना, ये चीज़ें कुछ बच्चे इधर उधर करते हैं, बीच में नहीं रखते हैं, दैट मीन्स कि दे हैव डिफ़िकल्टी। कॉन्सेंट्रेशन का इशू भी हो सकता है और विजुअल मोटर इंटीग्रेशन का भी इशू हो सकता है, कि बच्चों को विजुअल और मोटर इकट्ठा एक साथ कोऑर्डिनेट वे में काम नहीं करते। इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं कुछ ले रही हूँ, क्ले बॉल्स को लिया है, मैंने क्ले बॉल्स को रखा है थोड़ी दूर दूर, स्टार्टिंग में रखेंगे बॉल्स को बनाना, और उन्हें एक लाइन में रखा है। मैंने 5 पीसेस इस तरह से रखे हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इन पर हैमर, हैमर का यूज़ करूँगी। हैमर के साथ में आप बच्चे को हैमर देंगे और बच्चे को बोलेंगे कि वो हैमर इन पर एक एक करके, आपने नंबर साथ साथ बोलना है कि 1 1 को हिट करेंगे, 2 3
फोर, इस तरह से बच्चे को हिट करने का, लाइन में बोलना, लाइन में हिट करे, किसी को स्किप ना करे। तो इस तरह से पहले लेफ़्ट टू राइट हम करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट टू राइट हम बोल सकते हैं बच्चे को जाने के लिए। तो ये एक चीज़ जो है, धीरे धीरे आप डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों के विजुअल मोटर इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बेस्ट एक्टिविटी आई थिंक, कि इसमें बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। इसके अलावा ये एक पज़ल है मेरे पास, जिसमें मैंने, सर्कल पज़ल है, इसमें 3 पीस लगेंगे। लेकिन 3 पीस को किस तरह से लगाना है, फ्रैक्शंस का पता होना बच्चों को, ये चीज़ बच्चों को, अक्सर बच्चों में कम रहती है ये चीज़, कि बच्चा उस बाउंड्री को देखकर मैच करके उस चीज़ के ऊपर पूरा लगाए, लाइन के ऊपर पूरा उसे अच्छे से रखे। ये एक चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं, जिन बच्चों को विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी रहती है। इसके अलावा मैंने ये 2 सर्कल लिए हैं, दोनों सर्कल ब्लॉक्स हैं, सिंपली ब्लॉक्स लेने हैं। बच्चे को बोलना है ज्वाइन करने के लिए, इकट्ठा उनको ज्वाइन करना या स्टैक करना भी कह सकते हैं हम। ये एक चीज़ भी बच्चों को, जब बच्चे जोड़कर उसको स्टैक करते हैं, उसमें बच्चों का विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, बच्चों के स्किल्स पे आप वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसको आप परमानेंट बना के रख सकते हैं। इस एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है कि बच्चे इसमें काफ़ी देर तक बिजी रह सकते हैं। इसमें मैंने सिंपली एप्पल को ड्रॉ किया, उसके ऊपर पेस्ट किया है पास्ता को। पास्ता को आप अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। आप चाहे तो मोटी शीट ले सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं, उसके ऊपर इस एक्टिविटी को बनाइए, ताकि बच्चे काफ़ी देर तक इसको कर सकें। इसमें शूलेस बच्चे को सिंपली पास करने हैं, उसमें डालने हैं शूलेस के साथ में बच्चे को। इसमें आप बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, साथ ही वर्क कर रहे हैं आप उसके विजुअल मोटर इंटीग्रेशन पर, क्योंकि ये एक्टिविटी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। एप्पल को कंप्लीट करना, एक टास्क कंप्लीशन का फीलिंग आना, उसके साथ साथ विजुअल मोटर इंटीग्रेशन स्किल्स पर वर्क करें आप बच्चों के। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सीजर एक्टिविटी। इसमें मैंने डायगोनल लाइंस लगाई हैं, आप चाहें सीधी लगा सकती हैं। डायगोनल लाइन का ये रहता है कि बच्चा उसी हिसाब से पेपर को मूव करता है, कि उसे किस तरह से लाइन को काटना है, उसी डायरेक्शन में मूव करना। ये विजुअल इंटीग्रेशन एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे भी वर्क करती है, उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा मैंने कटआउट लिया है स्क्वायर का, आप चाहें किसी भी शेप का कटआउट ले सकते हैं, और इसके कॉर्नर्स पे, इसकी बाउंड्री पर बच्चों को कुछ ना कुछ पेस्ट करने के लिए बोले हैं। आप चाहें तो सीक्विन ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं चने, मैंने चनों को यूज़ किया है। इस एक्टिविटी में मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है शीट के ऊपर, आप दे सकते हैं बच्चे को और बोले बच्चे को ग्लिटर ग्लू को यूज़ करने के लिए। ग्लिटर ग्लू को यूज़ करना, बाउंड्री को ड्रॉ करना, उसके साथ में बाउंड्री के ऊपर ऊपर ग्लिटर ग्लू लगाना, ये एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के विजुअल मोटर इंटीग्रेशन पे वर्क करने में। साथ ही बच्चों के आप हैंड स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं, उनके फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, जैसे आप बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे भी वर्क कर रहे हैं और उसके विजुअल इंटीग्रेशन पर भी वर्क कर रहे हैं। एक्टिविटी में मैं यूज़ कर रही हूँ 10 ग्राम्स को। 10 ग्राम्स बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसमें मैंने सिंपल बच्चे को 10 ग्राम के कुछ पीसेस दिए हैं, 10 ग्राम्स ही हैं, और बच्चे को बोलूँगी कि वो इन पीसेस को उस तरह से लगाए जिस तरह से मैंने लगा रखी हैं, यानी कि उसे कॉपी करना है उस पैटर्न को कॉर्नर के साथ। देखिए इस पैटर्न में स्पेशली कॉर्नर के साथ कॉर्नर को मिलाना है बच्चे को। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों के विजुअल इंटीग्रेशन स्किल्स में बहुत हेल्प करती है। 10 ग्राम से आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं बच्चों के विजुअल स्किल्स पर वर्क करने के लिए। ये जो एक्टिविटी है बेसिकली अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज की एक्टिविटी है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो हैंडराइटिंग के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपीस्ट इस एक्टिविटी को सजेस्ट करते हैं, जिन बच्चों को विजुअल मोटर इंटीग्रेशन को लेकर डिफिकल्टीज रहती हैं। 4 डॉट्स को यूज़ कर रही हूँ, सिंपल एक्टिविटी है जिसमें मैंने ऊपर के डॉट्स को मिलाया है। उस बच्चे को सिंपली कॉपी करना है जिस डॉट को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जिस डॉट के साथ में उसको देखकर उसी तरह से डॉट्स को कनेक्ट करना है। डॉट कनेक्टिंग एक्टिविटी है, ज्वाइनिंग एक्टिविटी कह सकते हैं इसे। ये जो एक्टिविटी है मैंने 4 डॉट्स लिए हैं, 4 डॉट्स को इजी रहता है बच्चे को एक एक करके एक एक लाइन को कॉपी करना है कि किस तरह से मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग पैटर्न बच्चे को दे सकते हैं, और जो कि बच्चे के लिए इजी हो कॉपी करना, क्योंकि जिन बच्चों को कॉपी करने में डिफ़िकल्टी रहती है नंबर्स को, शेप्स को या फिर अल्फ़ाबेट्स को, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल रहती हैं। तो इस तरह से मैंने ये 3rd पैटर्न जो बनाया, इसमें मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्रॉस करना, मिड लाइन पे वर्क करना, तो ये एक चीज़ कुछ बच्चों को इस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी रहती है।
अगर आपको मेरे आइडियाज़ और एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एक्टिविटीज़ को, और आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए।